तो मुझे जाने की परमिशन है इस ब्रिज के आधे तक। ये वाली साइड इंडिया के व्हाइट कलर और जो रेड वाली साइड है ये बर्मा है। यू आर फ्रॉम बर्मा और इंडिया? बर्मा। फ्रॉम बर्मा। तो बर्मीज आर्मी यहाँ से जो अपना कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट लूज कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो ट्रेड है वो चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, मैं हूँ अभी टूरिस्ट लॉज ऑफ ज़खावथार और ये है मिजोरम टूरिज्म का टूरिस्ट लॉज जहाँ पे कल रात को मैं रुका हुआ था। इधर अपनी गाड़ी है। हेलो, हैव यू एवर बीन ऑन दैट साइड? यस यस। व्हेन द लास्ट टाइम यू वेंट देयर? लास्ट वीक। लास्ट वीक, सो देयर आर चांसेस आई कैन गो नाउ? या आई होप सो। एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स? From down there, from the bridge, it'll take only 10-15 minutes. To the Ridil. Yes, it's very close by. And I can buy something also? Yeah. You can use Indian currency? Also, yeah. I can use Indian currency, okay. Yeah, that is the bridge. That's the bridge. India, so that is Burma. Yeah. As soon as you cross the bridge, right hand side. Okay. There, that is their gate. Okay. Gate, so you have to, submit your Aadhaar card or inform your ID. And where is the lake? From there. Is it behind these behind these mountains? The road, you go that side, go up till there. Ah, people are going and walking. Yeah, it's free. Okay. See, Ridil is that side. So I can enter from here. Mm. So even the goods are coming from that way? Like yes. A lot of Burmese goods which I can see yes, here, yes. They are coming through this bridge. Yes. Okay. आपको सामने दिख रहा है ना वो वाला ब्रिज है, ब्रिज के उस साइड रह गई बर्मा। सो दिस इज द लाइक दिस रिवर डिवाइड्स बिटवीन इंडिया एंड बर्मा। ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ द रिवर? टियाव रिवर। टियाव रिवर। एंड व्हाट्स योर नेम? रेमी। रेमी। कलो में रेमी। How you say welcome in Mizo? Kei pole. Mm. Bye bye. भाई अब चलते हैं नीचे बॉर्डर की तरफ। सबसे पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, या फिर पेट पूजा मैं उधर बर्मा साइड ही करके आऊँ। बर्मा साइड ही करके आते हैं, मेरे को कैश भी विड्रॉ करना है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी बिल्कुल भी। देखते हैं भाई नीचे जाके क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चीजें करवट लेंगी। पेट्रोल भी मेरे पास ज्यादा नहीं है, आई थिंक मैं चांपाई पहुंच जाऊंगा। चांपाई में पेट्रोल भरवा लूंगा ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो सामने से भाई आ रहे हैं ना इस गाड़ी के ऊपर, ये बर्मीज गाड़ी है, केनबो बोलते हैं इसे, और ये यहाँ पे ऐसी चलती रहती है। कोई नंबर वंबर कुछ नहीं मिलेगा आपको, कई उनके ऊपर नंबर हैं लेकिन दे आर रजिस्टर्ड ऑन बर्मीज साइड। सामने देखिए ये वाले भाई साहब आ रहे हैं, इस गाड़ी के ऊपर कोई नंबर वंबर कुछ भी नहीं है। इवन तो यहाँ पे आपको बर्मीज पेट्रोल भी मिल जाएगा, तो आज अपनी गाड़ी में बर्मीज पेट्रोल भी डलवा के देखेंगे, क्योंकि मैंने सुना है बर्मा का जो पेट्रोल है इज चीपर देन इंडिया। सब कुछ यूनिक ही है भाई इधर तो। तो भाई मैं नीचे आ चुका हूँ, ये देखिए गाड़ी उधर खड़ी कर। या वन हॉट डॉग एंड वन बबल टी। यू स्पीक हिंदी? नो। अभी जिस दुकान के अंदर मैं रखा हूँ, यहाँ पे जो दीदी है ये बर्मा साइड से अपना बिजनेस यहाँ पे कर लिया थे। इस साइड मेरे को जितनी भी दुकानें दिख रही है ना, सब बर्मीज दुकानें दिख रही है, बर्मीज इन द सेंस विच आर ओन्ड बाय बर्मीज पीपल। एक यूनिक चीज है भाई यहाँ पे, और मुझे पैसा भी विड्रॉ करना है। अभी मेरे पास थोड़े बहुत कैश बचा हुआ है, उस कैश से देखते हैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ मैं। बाकी फिर कैश लेके फिर मैं गाड़ी को पार्क करूंगा कहीं पे, एंड देन आई विल गो टू बर्मा। तो इस मामले में है ना, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, एक तो जो अपने इंडिया के बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर्स हैं उन, और उन बॉर्डर्स के ऊपर जो आपको टाउन मिलेंगे ना, उन टाउन्स के अंदर आप विजिट करिए, आपको यूनिक कल्चर देखने को पता चलेगा। और खास करके जो बर्मा के साथ अपना बॉर्डर है ना, वो उतना हाईलाइट में आता नहीं है। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि बर्मा इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन बर्मा के बॉर्डर के ऊपर है ना, एक तो आपको जो खाने का कुजीन है उसके अंदर एक अलग वैरायटीज मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा 90% आइटम बर्मा से आता है, लेकिन यहाँ पे आपको बबल टी मिल रही है, हॉट डॉग मिल रहे हैं। यहाँ पे जो 90% आइटम्स हैं वो बर्मा के मिलेंगे, लेकिन ये जो वाई है आई थिंक इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ नेपाल बट इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बाकी लगभग जो आपको चीज़ें हैं वो बर्मीज मिलेंगी आपको। मस्त चीज़ है यार ये। अभी मैं थोड़ी देर में बस उधर एंट्री लेने वाला हूँ, यहाँ पे मतलब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। ये देखिए बर्मीज आइटम क्रिम्पिया थाईलैंड पीसीओ, थाईलैंड का आइटम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। ये भाई देखिए ये है मेरी बबल टी। आप सोच रहे हो यहाँ पे आपको बबल टी इजीली मिल रही है, और ये मेरा एक हॉट डॉग।
मस्त बना भाई। मैंने जो अपनी गाड़ी है वो पीछे इधर खड़ी कर दी है और इन दीदी के पास से मैंने एक हॉट डॉग खाया और एक बबल टी। मैं वैसे अभी हूँ इंडिया साइड में, लेकिन यहाँ पे 90% जो प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं ना वो बर्मीज प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अलग माहौल है यार पूरा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो अपनी मिजोरम पुलिस है उन्होंने मुझे बोला कि ये जो फ्री मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको अलाउड है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम हेयर। तो मुझे जाने की परमिशन है इस ब्रिज के आधे तक, तो ये जो ब्रिज का पार्ट है उसके आधे तक मैं जा पाऊंगा। उधर से पूरी मूवमेंट हो रही है, उधर से सामान भी आ रहा है, इधर से भी सामान आ रहा है। 2002 में इस ब्रिज की ओपनिंग हुई थी। जी देखिए ये वाला जो ब्रिज है, दिस साइड इंडिया दैट साइड बर्मा, दिस हाफ ब्रिज बिलोंग्स टू इंडिया एंड हाफ ब्रिज बिलोंग्स टू बर्मा। तो ये देखिए मैं एकदम अभी बॉर्डर के ऊपर हूँ, उधर से जो लोग आ रहे हैं इस रास्ते से मैं उधर नहीं जा पाऊंगा। मैं रेदिल जा सकता हूँ, लेकिन आगे फिर जो असम राइफल्स का कैंप है वहाँ से फिर मुझे एंट्री वेंट्री करवानी पड़ेगी और फिर कुछ ऊपर लेचे वो सब होगा। यहाँ पे मुझे कुछ टैक्सी वाले भाई बोल रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे उस एक टैक्सी सर्विस है जिसको 125 बोला जाता है वहाँ से आप रेदिल की तरफ जा सकते हैं। बड़ा मस्त है यार ये। यार मुझे म्यांमार का फ्लैग तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है उस साइड जो मिलिटेंट ग्रुप है ना उनका फ्लैग है वो। Burma, yes? This is Burma. Burma. And this is India. Yeah. India is white color. अच्छा, India is white color and Burma is red color. ये वाली साइड इंडिया के वाइट कलर और जो रेड वाली साइड है ये बर्मा है, तो नदी को आधा डिवाइड कर दिया है। You are from Burma or India? Burma. From Burma. What is this? Sun? Make it. Sunscreen? Danakha. You don't know the account. No, I don't know. It's protect from yeah, sun, yes. From burning. Sunscreen. Yeah. And it's a natural? उधर मैं जा नहीं पाऊंगा भाई, this is the last जहां तक मैं जा सकता हूँ। Hello brother, how are you? Yeah, fine. I can't go. Why? You. Yes, they said no. Only locals can go that side. You are from Burma or from India? Burma. मैं श्योर नहीं हूँ कि यार ये एंट्री अलाउड है या नहीं है। पुलिस वाले भी भाई कह रहे हैं कि मिक्सअप कह रहे हैं कि इधर से नहीं, आप दूसरी जगह से जाइए जहाँ पे वो एंट्री करवा सके। तो अब देखता हूँ मैं। यार मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि जितना भी आइटम आ रहा है सारा बर्मा के साइड से आ रहा है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गुड्स हैं वो सब बर्मी साइड से आ रहे हैं, इंडियन साइड से कुछ भी उस साइड नहीं जा रहा है, बट लेकिन बर्मी साइड से इंडिया में आ रहा है। ये देखिए यार, वेलकम टू इंडिया। तो वापस से मेरी इंडिया के अंदर एंट्री हो चुकी है भाई, तगड़ा सीन बना हुआ है। देखिए थैंक यू विजिट अगेन। पूरा ये बड़ा सा बॉर्डर है उस साइड भी सेम सीन है, लेकिन जो आइटम है सारे के सारे आपको उधर से इंडिया आते हुए मिलेंगे। इंडिया से कोई भी है, इंडिया से लोग खाली हाथ जा रहे हैं और उधर से सामान लेके आ रहे हैं। बहुत ही अलग टाइप का माहौल है पूरा का पूरा। फिर इधर स्टोर होता है और फिर यहाँ से अपने पूरे बाकी जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो पूरा का पूरा आइटम है ये इधर स्टोर होता है, ये काइंड ऑफ पिकअप पॉइंट है, और फिर यहाँ से जो ट्रक है ये भर भर के अपने बाकी इंडिया की तरफ निकल जाते हैं, मिजोरम में भी, मणिपुर की तरफ भी और बाकी जगह भी। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ कस्टम वस्टम का कुछ चेक है। तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट लूजिंग टन्स ऑफ रुपीस ऑन टैक्स मनी, एक हिसाब से गलत भी है, लेकिन यार यहाँ के लोगों के लिए ये आइटम ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन पंगा पता है क्या होता है, ये आइटम जब आपको बाकी इंडिया में मिलता है ना, तब आपको होता है कि नहीं यार इस आइटम के ऊपर तो कोई एक्साइज ड्यूटी कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं लगी हुई है। इवन तो ये बातें गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी आंखें बंद करनी पड़ती है यार। अगर मान लो यहाँ पे बर्मीज प्रोडक्ट ना आए तो यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। बर्मा साइड जा तो सकते हैं, लेकिन यार पुलिस वाले भाइयों ने बोला है कि उधर उस साइड से जाने का ट्राई करो, और उस साइड से मैं जाना नहीं चाहता और मुझे डर लग रहा है कि कहीं पंगे ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे बर्मा में ही जाना है। अभी एक हिसाब से देखा जाए तो जो ऑफिशियल एंट्री वो बंद है, फ्री मूवमेंट अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। और अगर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और जब मैं एक्चुअल में बर्मा जाऊँगा यंगून साइड नापिटो की तरफ, तब अगर दिक्कत होगी ना तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए मैं सिर्फ बॉर्डर तक जाके आया और बॉर्डर से फिर वापस इधर आ गया। तो आप देख लीजिए उस साइड जितनी भी जगह आपको सारी दिख रही है ना, दैट इज बर्मा, और इस साइड अपना प्यारा इंडिया। यू गो डेली और यू लिव हियर? सो यू लिव इन इंडिया? From how many time? Like how many years? Only 1 month. 1 month. How is situation in Burma? Good? Not good? Burma not good. Because I'm going to Yangon after 10 days. Yangon. From Delhi, I'll take a flight. Yes. This Kenbo is Burma or Chinese? This is Chinese. This is Chinese? Made in China, come to here via Burma. Yes. Okay. Hello. Hello. Bye bye. So that church is in Burma?
भाई अलग ही टाइप का माहौल में समझा नहीं पा रहा हूँ. थैंक यू. अब देखो कई बार है ना मेरे को ज्यादा खाना पड़ जाता है क्योंकि लोगों से बात करने के लिए आपको उनके दुकान वकान पे बैठना पड़ेगा तो आपको उनको भी कुछ ना कुछ फायदा देना पड़ेगा. तो कई बार इसी तरीके से मेरा पेट बढ़ता जा रहा है. अब जब भी किसी के पास जाता हूँ तो वहाँ पे मैं बात करता हूँ. अब उनकी दुकान से कुछ ना लो तो उनको वैसे बुरा लगेगा, वो मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे. तो इस कारण से जो मेरा पेट है ना इसीलिए बढ़ रहा है. अब आपको रीजन समझ आया. एक चीज़ तो है यार यहाँ पे मस्त, बाकी यहाँ पे आपको सारी की चीज़ें बर्मीज मिलेंगी, लेकिन जो पान मसाला है ना, पान मसाला के मार्केट को बर्मा पेनिट्रेट नहीं कर पाया है. यहाँ पे जो शिखर पान मसाला यहाँ पे भी दिख रहा है और जुबा केसरी में हम इंडियंस किसी को नहीं बीट कर सकते. तो यहाँ पे जो दीदी है ना उनको मैं अपना इंडियन 50 रुपये दे रहा हूँ और उनसे फिर मैं बर्मीज करेंसी ले रहा हूँ. इन 50 हाउ मच यू कैन गिव मी? दिस इज न्यू. ओके दिस इज न्यू. ओके यस दिस इज ओल्ड. ओनली 500. Okay, so you can have new one. I want the old one. One Indian rupees, 40 Burmese yes. rupees. Oh man, that's very bad. भाई यहाँ पे पैसे की हालत बर्मा के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. वैसे इन दीदी के पास आपको चाउमीन वाउमिन सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो भाई मुझे लग रहा था कि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो बर्मा से इंडिया आती हैं, लेकिन इंडिया से भी अपने है ना बर्मा की तरफ एक चीज़ जाती है, वो है इंडियन पेट्रोल. यू मान लीजिए सबको पता जाता है लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि बर्मी साइड जो पेट्रोल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जो अपना इंडियन पेट्रोल है वो उस साइड जाता है. थैंक यू. यू ऑल्सो फ्रॉम बर्मा? यस ब्रो. हां, ऑल द पीपल आर फ्रॉम हियर फ्रॉम बर्मा. ओके थैंक यू दीदी. थैंक यू. थैंक यू. कलो में बाय 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 बाय. अब देखिए भाई यही सीन है, जो भी है गलत है सही है लेकिन यही सीन है यहाँ पे कि सारी की सारी जो बाइक है इसे बोलते हैं केनवो, दे आर चाइना मेड बट कम्स टू इंडिया थ्रू बर्मा. जैसे वो तो बर्मा रजिस्टर्ड है लेकिन ये केनवो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगभग पार्ट्स में मिल जाएगी. अभी देखिए यहाँ शॉप के ऊपर 99% आइटम आपको बर्मा के दिख रहे होंगे, मसाले से लेके सब कुछ. सुपारी अपनी इंडियन होगी. हेलो, आई वॉन्ट टू बाय सेंटर फिश. Can you give me 10? ये देखिए बाकी सब बर्मीज प्रोडक्ट है. थैंक यू. तो टॉफी को छोड़ के इस शॉप के ऊपर इंडिया का कोई भी आइटम नहीं है. अरे ये है देखिए इलायची है इंडियन. अभी मेरे साथ है जेमुन भाई, ये बेसिकली है बर्मा से. लेकिन सो हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग इन इंडिया नाउ? मे बी 1-2 months. Almost 1 month. So do you think the situation will go back to normal in Burma? It may take long time. Yeah. I hope everything goes right. 1 year, 2 years, and now more the situation is not good. Not good. You can speak Hindi? No, I don't understand. No, I don't understand. Yeah. I just. And you can speak Mizo? Oh, no. Yeah, I know Mizo. You know Mizo. Yeah. But you are Zoomi. Yeah, I'm Zoomi. Zoomi or Zoomi? Zoomi. Zoomi. तो ये जो भाई हैं ये ज़ोमी ट्राइब से बिलोंग करते हैं. ज़ोमी ट्राइब वैसे आपको इंडिया में भी मिलेंगे. सो वेयर इज द बिग पॉपुलेशन ऑफ ज़ोमी पीपल इन इंडिया और इन इन बर्मा? थैंक यू. बर्मा वी आर फ्रॉम ट्यूसडे वी हैव ज़ोमी पीपल हैव टू टाउन यू नो लाइक इन ट्यूसडे देयर आर मेनी सो मेनी ट्राइब्स इन कुकिचिन. नो सॉरी इन चिन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार एंड India is Chin State. Here is Mizoram and that is Chin. Chin State, yeah. Where is Rakhine? Rakhine is maybe the east part. In Rakhine there are tribes or it's totally Rohingya Muslims in Rakhine? Yeah, maybe, yeah. I heard about them. There are a lot of Muslims. Have you been to Rangoon? Yeah. You been to Rangoon? Yeah, three times. Yeah. Three times. Yeah. When the situation was normal? Yeah. When we compare with this Chin land, Rangoon is probably very good situation. People will not understand us. People say in Myanmar they have problem. Their situation is very bad. They say, but when people arrive there, foreigner like from like you, when they arrive there, they are totally free. Totally right? Different, yeah. Totally different to other towns. How they say thank you in Burmese? In Burmese they say Tiu Dimbare. Tiu Dimbare. Yeah. And how you say hello? मिंगलावा. तो ये भाई बर्मा से हैं लेकिन काफ़ी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा काफ़ी लोग आ रखे हैं क्योंकि बर्मा में सिचुएशन ख़राब होने के कारण उनके पास सिर्फ इंडिया ही एक ऑप्शन बचता है. भाई ये वैसे टाउन गजब की, यहाँ पे एटीएम नहीं है लेकिन आपको गूगल पे से आप पैसे निकलवा सकते हो. इंटरनेशनल बॉर्डर है फिर भी एटीएम नहीं है. गजब ही सीन है. पहले वाली दीदी से 500 का लिया था. हाउ मच फॉर दिस? 50. ये है बर्मीज करेंसी. ये देखिए मेरे पास 500 के ये तीन नोट हो गए. सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा
How you say this? Chat? Chat. Chat. The town. Chat. Chat. Okay. This is Zoksya. Zokothar. Zokothar. Yeah. And that side? This side, Diao. No, on Burmese side. Burmese, Zokothar. The same. Yeah. So all these are Myanmar. Oh, this is Chinese, yeah? Or Korean? Korean. Yeah, Korean noodles, jo Burmese made. How much is this? This one is 100. 100. And in Burma? Burma, 4,000. 4,000, yeah. And what is now is, who is in Burma? It's not Burmese army, yeah? It's the Chin State Army, yeah? People Defense Force. People Defense Force. Yeah. People Defense Force. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Kalo me. Bless you. Thank you. अब भाई यहाँ से निकलूंगा मैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा मार्केट ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो आप लोगों को अब समझ आ गया ना कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती है। अब बर्मा से यहाँ पे अपनी लकड़ी भी आती है। अब ये वाला जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे तो चीज़ें फिर भी ठीक है, लेकिन जो मुरे वाला बॉर्डर है या फिर मणिपुर में बॉर्डर है, अब जो उस साइड बर्मा है ना, उधर बर्मीज आर्मी का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे जो उस साइड के रेबल्स ग्रुप है, पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो वहाँ पे जूमी ट्राइब है, जूमी ट्राइब उस एरिया को कंट्रोल करती है। तो बर्मीज आर्मी यहाँ से जो अपना कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट लूज कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो ट्रेड है वो चल रहा है, क्योंकि बर्मीज साइड के जो प्रोडक्ट है, एक तो वहाँ पे वैरायटीज बहुत ज़्यादा है, और एक वहाँ पे प्रोडक्ट है वो सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। क्योंकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब मिजोरम में इतनी कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है नहीं, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं या तो अपने नॉर्थ इंडिया से आते होंगे या साउथ इंडिया से आते होंगे, वरना फिर असम से आते होंगे। तो लोगों को यहाँ पे बर्मा से आइटम लेना सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बर्मा के अंदर लेबर कॉस्ट अपने इंडिया से भी सस्ती है, क्योंकि हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जिस कंट्री के अंदर हालत ख़राब होती है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी सस्ती होती है, और वो सारी की सारी चीज़ें। भाई गाड़ी तप रही है अंदर से। अब भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा आपको आगे से एक बार दोबारा दिखा के लाता हूँ कि हाउ डज इंडो बर्मीज बॉर्डर लुक्स लाइक। ये देखिए लेफ्ट साइड में रह गया अपना बॉर्डर, ये देख लीजिए, ये साइड में गवर्नमेंट बिल्डिंग, काइंड ऑफ आप इसे इमिग्रेशन भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट होती है। जाते जाते है ना, एक गन्ने का जूस और पी के जा रहा हूँ मैं इधर से, ये देख लीजिए। देख रहे हो भाई, ये सब इनमें से 80% तक लोग यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे ना, दे कैन बी बर्मीज। अब भाई इनकी भी गलती नहीं है यार, हर कोई अच्छी लाइफ चाहता है, और अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो उस कंट्री को कोई ना, हर कोई छोड़ना चाहेगा। बर्मा में सच में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हो चुकी है। अब भाई निकलते हैं अपने यहाँ से बाहर। देखिए भाई आप, यहाँ से मेरा जाने का ही मन नहीं कर रहा, बस ये मन कर रहा है कि जितना हो सके बस यहाँ पे देखता ही रहूँ। बॉर्डर्स मुझे बड़े एक्साइट करते हैं कि चीज़ें कैसे फंक्शन हो रही है। एक नदी बस, उधर पूरे अलग सिस्टम, उस साइड गाड़ी राइट साइड में चलती हैं रोड पे, अपने इधर लेफ्ट साइड में चलती हैं। वहाँ पे लैंग्वेज तो चलो मान लेते हैं कि एक ही होगी, लेकिन वहाँ पे बुरी हालत हो रखी है एडमिनिस्ट्रेशन वाइज। अपने इंडिया में सारी चीज़ें स्टेबल है, उधर की करेंसी कुछ और है, इधर की करेंसी कुछ और है, वहाँ पे आपको अलग सिस्टम मिलेगा, इधर एक अलग सिस्टम मिलेगा। मैं तभी लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप किसी स्टेट में जाओ, अपनी इंडियन स्टेट में, वो स्टेट अगर किसी इंटरनेशनल कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है ना, आप वहाँ पे जाके देखना, और वहाँ पे लोगों के बिहेवियरल पैटर्न देखना, वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए वो म्यांमार का ट्रैक है भाई उस साइड, ये शायद NDRA वहाँ की कोई आर्मी वार्मी की मुझे पोस्ट लग रही है। वापस से भाई मैं गलती से गलत रास्ते पे चला गया था, वापस से मैं नीचे जा रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, जितनी इस टाउन को मुझे देखना था उतना देख लिया है। बाकी ये भाई यहाँ का सुमो काउंटर है, आइजोल वाइजोल हर जगह के लिए आपको यहाँ से वो मिल जाएंगी, ये शेयरिंग सुमो। अब ये देखिए आप, जो नीचे आपको ये सामने वाली जगह दिख रही है ना, दिस इज बर्मा, बीच में ये नदी है, और इधर सामान यहाँ पे खुले धड़ाके से आ रहा है, ना कोई ऐसी बड़ी चेक पोस्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आता होगा, लेकिन अगर उस साइड से अगर कुछ भी ऐसा सामान लाना हो ना, तो इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि बॉर्डर इतने वेल प्रोटेक्टेड नहीं है, ना कोई फेंसिंग है। तो इसीलिए जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि जो बर्मा और अपना बॉर्डर होगा वहाँ पे अब फेंसिंग की जाएगी। खास करके फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर है ना, फेंसिंग करना उतना आसान नहीं है। अगर आप फेंसिंग भी कर देंगे ना, तो जो चीज़ों की इधर
इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर लेके जाना, उसको रोकना उतना आसान नहीं होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है अपनी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसमें यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर पे नेपाल के लोगों के साथ और इंडिया का रोटी और बेटी का रिश्ता है, कि कई बार जो नेपाली लोग हम इंडिया में काम करने जाते हैं, जो इंडियन है वो नेपाल में काम करने जाते हैं, और जो इंडियन है वो नेपाली के साथ शादी करते हैं, और जो नेपाली हैं वो इंडियन के साथ शादी करते हैं। तो ये रोटी और बेटी का रिश्ता आपको बर्मा में यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस साइड जो पॉपुलेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, कुकीचिन ट्राइब, जिसके अंदर जूमी भी आते हैं, जिसके अंदर मिजो भी आते हैं, मतलब भी बहुत बड़ी एक ट्राइब ग्रुप है ये। उनकी उधर शादियाँ होती हैं, अपने वालों की उधर शादियाँ होती हैं, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अब जैसे मैं बाहर से आया हूँ तो मेरे को है ना ये लगेगा कि यार कि यहाँ पे वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। इसीलिए ना मैं लास्ट वीडियो में आपको बोल रहा था कि जो अपना इंडिया है ना, वो मतलब कि इंडिया जैसी सिचुएशन आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयर मिलेगी कि किसी और कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन आपको दिख जाए, जो इंडिया की यूनिक प्रॉब्लम्स है। कई कंट्रीज की यूनिक प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने पास है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो अपने पास सच में बहुत ज्यादा यूनिक हैं और फिर भी हम फंक्शन कर रहे हैं। तो यार इसमें हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट, हमारे में इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ, अभी की जो गवर्नमेंट है वो भी और इससे पहले जो गवर्नमेंट आई है वो भी। इसमें जो अपनी इंडियन ब्यूरोक्रेसी है ना, खास करके जो अपने IAS IPS, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो आगे तक, क्योंकि यहाँ से जो बातें जाएंगी ना वो IAS IPS के थ्रू ही जाएंगी, या फिर जो यहाँ के MP MLA होंगे, MP MLA चेंज होते रहते हैं, कभी कोई आएगा, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो लंबी चलती है, और ब्यूरोक्रेसी जो अपनी वहाँ तक आगे बात पहुँचा पा रही है, किस तरीके से मैनेज कर रही है, तो उसमें सच में हैट्स ऑफ है भाई। आप सोच के देखिए यार कि उस साइड अभी एकदम अनस्टेबल जगह है, वहाँ से इन्फ्लक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से इधर आ रहे हैं, काफ़ी जो जोमी लोग हैं वो अभी दिल्ली में भी पहुँचे हुए हैं, और वो दिल्ली में एज ए रेफ्यूजी का स्टेटस उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि उस साइड कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट का बॉर्डर की उस साइड कोई कंट्रोल ही नहीं है, वहाँ पे कंट्रोल करती है पीपल लिबरेशन आर्मी, PLA है शायद, उसको PLA बोलते हैं, if I'm not wrong। तो बहुत ही एक यूनिट टाइप की सिचुएशन है, जो प्लेन के लोग हैं उनको समझने में इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कहां से आ रहे हैं? मैं वो जो बॉर्डर टाउन है वहां से। ओके सर, कलो में। तो भाई यहां पे चेक पोस्ट थी, पुलिस वाले भाई ने गाड़ी में आके चेक वेक किया, चेकिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी भाई जो ये ड्रग्स है ना वो इंडिया में एंटर कर ही जाते हैं, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर हो। मैं अब ऐसा नहीं है कि यार नॉर्थ ईस्ट को बदनाम कर रहा हूँ, गुजरात में आप लोग अडानी के पोर्ट के ऊपर आज से 3-4 महीने पहले, 1 साल पहले 40,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था भाई। 40,000 करोड़ कितना होता है, या 4,000 करोड़ का अगर आप लोगों को याद हो तो। हाँ बस वो इतनी बड़ी न्यूज़ के अंदर बात नहीं बनी, वो चुपचाप दब गई बात, थोड़ी सी बात फैली एकदम चुप हो गया। जहाँ से आपके इंटरनेशनल बॉर्डर लगेंगे ना वहाँ पे ड्रग्स आएगा ही आएगा। एक टाइम में पंजाब में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ड्रग्स आ रहा था, और जम्मू कश्मीर में हो रहा था ये। तो भाई हर जगह इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ ना कुछ पंगे होंगे, क्योंकि दूसरी साइड आपकी गवर्नमेंट बैठी नहीं है, इवन दूसरी साइड क्या, इस साइड अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है, फिर भी ये चीज़ें कैसे एंटर हो पा रही हैं भाई। यहाँ पे व्यू पॉइंट भी बनाया है, ये रोड जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये पहाड़ों में अब तक का मेरा सबसे बेस्ट रोड है अपने इंडिया के अंदर। इतना प्यारा रोड मैंने अपने इंडिया में पहाड़ों में नहीं देखे हैं। एक तो ये कि यार अभी ये रोड रिसेंटली बनाया तो बहुत साफ और सुथरा लग रहा है, और कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था यार ये। भाई मैं उधर जो जोख्तवार है वहाँ से निकल चुका हूँ, रास्ते में एक फ्रूट की दुकान मिली, तो यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े तरबूज है भाई। हाउ यू से व्हाट नेम मिजो? डोंगफो। मिजो लैंग्वेज में तरबूज को डोंगफो बोलते हैं। एंड बनाना? बनला। ओके, कलो में, थैंक यू, कलो में। तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़े तरबूज वरबूज लिए, डोंगफो बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। और भाई रास्ते में 3-4 जगह पर चेक पोस्ट आई पुलिस एंड आर्मी की, और वो भाई गाड़ी को बजा बजा के चेक कर रहे थे, इवन एक्साइज ड्यूटी वालों की भी आई, सब की आई। एंड मैंने जब पूछा ना कि सर ऐसे बजा बजा के क्यों चेक कर रहे हो, तो मैंने पूछा कि यार यहाँ से ड्रग्स व्रग्स भी आते हैं क्या? बोलते आपको पता नहीं है यहाँ से क्या क्या आता है। मेरा दिमाग में यार सच में, यार बॉर्डर टाउन है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो भाइयों जो जोख्तवार था वहाँ से अब मैं निकल चुका हूँ। ये देखिए इतना प्यारा सा हाईवे बना हुआ है भाई, इस हाईवे को देख के ना दिल से ही खुश हो जाता है। यहाँ पे ट्रक लिए बाई लाइन सब कुछ बना रखा है इसके
ऊपर, पहाड़ों की कटिंग भी आपको फ्रेश फ्रेश लग रही है। इसके ऊपर ये जो रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं ना, ये सब कुछ एकदम नया नया है, तो हाईवे भी आपको बहुत शानदार लगेगा ये। तो इसीलिए ना इस हाईवे के ऊपर ड्राइव करते हुए इतने मजे आ रहे थे कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। अब मैं आगे जा रहा हूं। आज रात की जो मेरी डेस्टिनेशन है कंफर्म नहीं है कि आज रात को मैं कहां पे रुकने वाला हूं, क्योंकि परसों मुझे आइजोल पहुंचना है। परसों शेल्बी लैंड हो जाएगी आइजोल पे, वहां से फिर मुझे शेल्बी के एयरपोर्ट पे पिकअप करना है। उस रात को शायद हम आइजोल में रुकेंगे और उससे अगले दिन हम सीधा चले जाएंगे किरबा भाई के घर पे, किरबा भाई के गाँव में रुकेंगे एक दो दिन। और फिर आगे जो मेरा प्लान है ना, जो अपने इंडिया का सबसे रिमोटेस्ट विलेज, जो इंडिया का सबसे आखिरी विलेज है, वहां तक जाने का। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।